हेलो दोस्तों, मैं अनुराग प्रजापति। आज बात करने वाले हैं आईपीएससी नाम के बारे में। आईपीएससी का पूरा नाम होता है भैया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये भैया आईपीएससी का पूरा नाम होता है। अब हम बात करने वाले हैं भैया कार्बनों की संख्या, कार्बनों की संख्या और नाम। कार्बन की संख्या मतलब अगर एक कार्बन रहेगा तो उसे हम मेथ बोलेंगे, अगर दो कार्बन रहेगा तो उसे हम एथ बोलते हैं, अगर तीन कार्बन हुआ तो हम उसे प्रोप बोलते हैं, अगर यही चार कार्बन हो जाए तो उसे हम ब्यूट बोलते हैं, अगर यही पांच कार्बन हो जाए तो पेंट बोलते हैं, अगर छह कार्बन हो जाए तो भैया हेक्स बोलते हैं, अगर सात कार्बन हो जाए तो उसे हेप्ट बोलते हैं, आठ कार्बन हो जाए तो हम ऑक्ट बोलते हैं, अगर यही नौ कार्बन हो जाए तो उसे हम नोन बोलते हैं, अगर 10 कार्बन हो जाए तो भैया उसे हम डेक बोलते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं मतलब इस श्रेणी के बारे में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे भैया एल्केन। एल्केन में जो बॉन्ड होता है भैया वो सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है भैया? सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड। ये किस में होता है भैया? एल्केन में होता है। और डबल बॉन्ड, डी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है भैया एल्कीन ग्रुप में। एल्काइन ग्रुप में भैया ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है भैया? ट्रिपल। अब भैया हम बॉन्ड को किस साइड प्रदर्शित करें? अगर आपको सिंगल बॉन्ड अगर ऐसे लिख अगर लिख दिख रहा है तो आप समझ लीजिए वो सिंगल बॉन्ड है, अगर आपको डबल पाही अगर ऐसे लिखा दिख रहा है तो आप उसको डबल बॉन्ड बोलेंगे, अगर यही आपको अगर एक दो तीन अगर तीन पाही ऐसे खींचे हुए दिखाई दे रहा है तो आप उसको ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। चलिए हम जान लेते हैं इसके सूत्र। एल्केन का सूत्र जो होता है भैया CnH2n+2 होता है। ये किसका सूत्र होता है? एल्केन का। अब एल्किन का सूत्र जो होता है CnH2n, ये किसका सूत्र होता है भैया? एल्केन का होता है। चलिए अब आगे हम जान लेते हैं, अब जान लेते हैं हम एल्काइन का सूत्र CnH2n-2, ये एल्काइन का सूत्र हो जाता है। अब इसमें हम बात करेंगे भैया अनुलग्न के बारे में। अनुलग्न इसमें एल्केन में एन एन शब्द जो होता है वो अनुलग्न होता है, एल्कीन में इन शब्द जो होता है भैया वो अनुलग्न होता है, और एल्काइन में भैया आइन शब्द जो होता है वो अनुलग्न होता है। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मेथेन का। जैसे मेथेन आप कार्बन की कार्बन का अगर एक अगर आप सी बराबर एक सी है CH4, ये किसका सूत्र है भैया? मेथेन का। मेथेन का है, मेथेन का सूत्र भैया CH4 मेथेन हो जाता है। अब एथीन का सूत्र C2H4 एथीन का हो जाता है। अब एथाइन का सूत्र C2H2 हो जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं ये मतलब मेथेन एथीन और एथाइन आया कहाँ से। अब भैया हम जान लेते हैं एल्केन के बारे में। सबसे पहले एल्केन का जो सूत्र है CnH2n+2 ये होता है, आगे हम बताए थे। चलिए अब हम जानते हैं अगर n बराबर भैया हम एक रखेंगे, कितना रखेंगे भैया? एक। अगर एक रखेंगे तो आप देखेंगे ये n बराबर एक रखने पर तो आ जाएगा C1H2 × 1+2। अब भैया इसको सही तरीके से हम जोड़ेंगे C एक को हम लोग कुछ मानते ही नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 × 1 में करेंगे भैया 2 आ जाएगा प्लस 2। अब CH4 ये भैया किसका सूत्र हो गया? मेथ। किसका हो गया भैया? मेथ। अब इसमें भैया हम बताए थे इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न जो होता है वो क्या होता है? एन। अब इसमें भैया क्या जोड़ देंगे हम? एन। एन जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भैया? मेथेन। क्या जुड़ गया भैया? क्या हो गया? मेथेन। अब इसी प्रकार भैया हम बात कर लेते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n यही होता है ना भैया? एल्कीन का किसका सूत्र हो गया भैया? एल्कीन। अब एल्कीन का सूत्र हो गया, अब हम n बराबर भैया एक रखेंगे, क्या रखेंगे भैया? एक। एक जब रखेंगे जब हम भैया n बराबर जब हम दो रखेंगे तो हमारा आ जाएगा C2H2 × 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे भैया तो आ जाएगा हमारा C2H4। ये किसका सूत्र हो गया भैया? एथ। इसका किसका मान लीजिए कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? एथ लिखा जाता है। अब इसका भैया जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न होता है वो क्या होता है भैया? इन। क्या होता है? इन हम पीछे बताए थे।
अभी, तब इसमें हम क्या जोड़ेंगे भैया, इन इन जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, एथीन, क्या हो जाएगा भैया, एथीन। चलिए भैया हम आगे अब बात कर लेते हैं CnH2n-2, ये किसका सूत्र है भैया, एल्काइन का। किसका सूत्र है, एल्काइन, किसका सूत्र है भैया, एल्काइन का। चलिए अब हम जब n बराबर हम 2 रखेंगे तब देखिए भैया हमको क्या प्राप्त होता है, कौन सा IUPAC नाम प्राप्त होगा। चलिए देख लेते हैं हम, C2H2 × 2-2। अब इसको भैया हम सॉल्व करेंगे, C2H2 × 2 = 4-2, C2H2। ये भैया एक कार्बन, दो कार्बन आ गया, दो कार्बन के लिए क्या बोला जाता है, एथ, यही बोला जाता है ना भैया। अब इसका जो अनुलग्न होता है भैया, इसका जो अनुलग्न होगा वो क्या होता है, आयन, क्या होता है भैया, आयन। अब इसी हम जोड़ देंगे आयन, आयन जब जोड़ेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, एथाइन, क्या हो जाएगा भैया, एथाइन। दो कार्बन के लिए क्या बोला जाता है, एथ। अब इसका जो अनुलग्न होगा वो क्या हो जाएगा, एथाइन।